रोचक बात बताया, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी क्षेत्र में एक महीने का प्रवास कर आए हैं, यानी कि पूरी एड़ी चोटी का जोर न सिर्फ मोदी जी ने लगाया, वहां की जनता ने लगाया, बल्कि जयपुर से गोपाल शर्मा जी ने भी लगाया। सर, क्या माहौल रहा वाराणसी में? वाराणसी में एक तरफा माहौल है, कहीं भी कांग्रेस का प्रचार दिखाई नहीं देता है। कुछ जातीय वोट जरूर हैं, अब वो जातीय वोट जमानत बचवा पाएंगे या नहीं बचवा पाएंगे अलग विषय है, लेकिन आज जो वाराणसी देखने में आ रही है वैसी वाराणसी 10 साल पहले नहीं थी। आज विकसित वाराणसी है, इतने बड़े बड़े शोरूम, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, इतना यात्रियों का आगमन, 2 लाख लोग रोज तीर्थ यात्री के रूप में वहां जा रहे हैं। वाराणसी बदला हुआ है, किलोमीटर्स में ऐसी स्थिति है कि लोग वाहन ले जाना चाहें तो नहीं ले जा सकते, इतनी भीड़ है। अच्छा, वाराणसी से आप आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 48 घंटे का मौन धारण किया था विवेकानंद स्मारक पर। उसके बाद में उन्होंने एक लेख लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि जब मैं ध्यान की अवस्था में जा रहा था तो पूरे प्रचार के वो दिन उन्हें याद आए, वो बच्चे, वो बूढ़े, वो जवान, महिलाएं उन्हें याद आई जो एक आशा भरी निगाह से उन्हें देख रही थी। क्या कहेंगे? ये बात सही है। एक बार और अभी मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है कि उन्हें लग रहा है कि प्रकृति ने, भगवान ने उनको कुछ करने के लिए भेजा है। कुछ करने का मतलब है बहुत कुछ करने के लिए भेजा है, और भारत का यह भाग्य है कि उनको एक ऐसे कद का नेता मिला हुआ है जिनके खिलाफ कहने के लिए किसी भी देश के पास कुछ नहीं है। आज ऐसा नेता मिला हुआ है कि दुनिया का कोई भी नेता उनसे कमजोर दिखाई देता है। तो निश्चित रूप से कल तीसरी बार सरकार बनेगी और ये जो अपने अड़ोस पड़ोस के देश हैं इन सबको लगेगा कि भारत के रूप में हमारा बड़ा भाई हमारे साथ खड़ा है। ये चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, लंका हो, अफगानिस्तान हो, इनको एक नया भारत देखने को मिलेगा। हम अपने लोगों को, भारतीयों को लगेगा कि पाकिस्तानी अगर भूखे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि इनको रोटी मिले, इनको ब्रेड मिले, इनको सब्जी मिले, और भारत नए रूप में बहुत शक्तिशाली स्वरूप में सामने आ रहा है। वैसे अभी थोड़े दिन पहले वीर सावरकर जी के ऊपर एक पिक्चर एक रिलीज हुई थी, उसमें देखा था कि जनसंघ की स्थापना के वर्ष से ही अखंड भारत का स्वप्न देखा गया था। तो क्या अब लग रहा है कि आने वाले जो टेन्योर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, भाजपा के, अखंड भारत का वो सपना सच होता हुआ दिखाई दे रहा है? संभव है, क्योंकि देखिए कांग्रेस के शासन में 1947 में भारत का विभाजन हुआ, भारत बढ़ता चला गया, जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक हुआ वो हिस्सा भारत से अलग हो गया। अगर लोगों ने यह मानसिकता अपनी वापस धारण कर ली कि आखिर हम लोग एक मूल वृक्ष के ही तो टहनियाँ हैं, तो सब लोगों में वापस प्रेम खड़ा हो जाएगा। वैसे ये तो रही पूरे भारतवर्ष की बात, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें, नो डाउट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में भाजपा की सत्ता वापस से ला रहे हैं, हैट्रिक मनाने जा रहे हैं, राजस्थान में क्या आपको हैट्रिक बनती दिखाई दे रही है? देखिए, सभी को उम्मीद यही है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं उनको 100% उम्मीद है कि 2500 की 2500 सीटें हमारी आ रही हैं। फैसला जनता के हाथ में होता है। अगर मान लीजिए कि कहीं पर बहुत कड़ा संघर्ष है, वहां क्या होगा इसका क्या पता चले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2500 सीटों पर किसी से भी पूछा जाए कि यहां से कौन कौन चुनाव लड़ रहा है तो पहला नाम बीजेपी के कैंडिडेट का होगा। वही इस चीज को साबित करती है कि 2500 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। एग्जिट पोल की अगर बात करें तो केंद्र के परिप्रेक्ष्य में तो एग्जिट पोल तमाम बीजेपी, मोदी जी और उनके पक्ष में नजर आ रहे हैं, 370 से 400 तक का आंकड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में 18 से 23 तक आ रहे हैं वो आंकड़े। देखिए, आपको बताऊं मजेदार बात कि एक बार सभी सर्वे, सभी एग्जिट पोल ये घोषित कर रहे थे कि अशोक गहलोत जी की सरकार वापस बनने जा रही है, लेकिन अशोक गहलोत जी की सरकार नहीं बनी, जबकि सारे सर्वे कह रहे थे। तो सर्वे को आधार नहीं मानना चाहिए, आधार जनता होती है। जनता में किसी भी आदमी से पूछें कि कल किसकी सरकार बनेगी, क्या कोई कहेगा हमको कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है? कोई नहीं कहेगा, निकल ही नहीं पा रहे हैं। मीटिंग की हमने देखा उनके खड़गे जी के घर, तो ऐसे लग रहा था कोई तीए की बैठक में तो नहीं आए हैं। वो कह रहे हैं 295 सीटें आएगी, फिर दुखी क्यों हो?
फिर आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं, फिर सोनिया जी ने चेहरा पीछे क्यों किया हुआ है, राहुल गांधी गर्दन झुका के क्यों आ रहे हैं, जीतने वाला व्यक्ति कभी इस तरह आता है क्या? हमने देखा वो अपनी गर्दन ही ऊपर नहीं उठा रहे हैं, तो क्या वो बहुमत लाने वाले लोग ऐसे आते हैं? मोदी जी कैसे आए विवेकानंद स्मारक से? तो इसलिए जनता जो चाहती है वो करके दिखाती है। रविंद्र भाटी वाले फैक्टर पे क्या कहेंगे? हालांकि हमने देखा है पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने मोदी जी या बीजेपी के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने उल्टा मोदी जी को अपना आइडियल माना है कि मैं राजनीति अगर मैं करना चाहता हूं तो मैं इनकी तरह करना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद भी वो अलग है। इनकी तरह करने के लिए व्यक्ति को अनुकरण करना पड़ता है, इनकी तरह करने के लिए उनकी इज्जत करनी पड़ती है, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी की तरह से करना चाहता हूं और हम विवेकानंद जी के विरोध में ही प्रचार करें तो ये उचित नहीं है। भाटी जी ने विधानसभा के अंदर अपनी लोकप्रियता का परिचय दिया, उनको चाहिए ये था कि मोदी जी के समर्थन का नाम लेते हुए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते। उन्होंने खड़े होकर के त्रिकोणात्मक संघर्ष बनाया है, निश्चित रूप से त्रिकोणात्मक है, लेकिन त्रिकोणात्मक का नतीजा बहुत मुश्किल से राजस्थान में निर्दलीय के पक्ष में जाता है। भाई साहब, अब एक आखिरी सवाल बस यही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की बात सब लोग कहते हैं और प्रचार भी यही हुआ था विधानसभा में कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो जो विकास की गति का जो पहिया है वो डबल स्पीड से घूमेगा। आपके सामने क्या कुछ चुनौती है सिविल लाइन्स की अगर बात करें? देखिए, सिविल लाइन्स के अंदर तो किसी भी तरह की जो समस्या है वो है, हम लोगों ने उसको तीन तरह से बांटा हुआ है कि आम आदमी का सम्मान, गरीब और अमीर के अंदर कोई भेद नहीं, गरीब को पहली प्राथमिकता। दूसरा ये कि शासन का इकबाल, कोई आदमी थाने में जाए तो उसको महसूस होना चाहिए कि यहां पर हमारा आदमी बैठा हुआ है, उसको आंख दिखाने वाला आदमी नहीं मिले। और तीसरा है, यह क्षेत्र चूंकि राजस्थान की राजधानी है इसलिए यहां का द्रुत गति से विकास। तो तीनों चीजों पर समानांतर कार्य चल रहा है। मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले जन सुनवाई थी सिविल लाइन क्षेत्र की, उसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया, एक ने भी आलोचना नहीं की ये क्या है, एक ने भी बुराई नहीं की ये क्या है, उनको पता है कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैंने उनको कहा कि आप ये देखिए कि इतनी भयंकर गर्मी पड़ेगी और हमको पसीने नहीं आए, ये संभव है क्या? ये तो आएगा ही आएगा, तो इसलिए थोड़ी तो मार उसकी पड़नी चाहिए क्योंकि वो गर्मी है, लेकिन गर्मी के कारण किसी को इतनी परेशानी नहीं हो कि उसको पेयजल नहीं मिले। इसके लिए दूतरफा व्यवस्था है, एक है सरकार की तरफ से, एक है संगठन की तरफ से। सरकार वाली भी सफल है, संगठन की तरफ से भी सफल है। हमारे यहां किसी के ये आ जाए कि पानी की कमी है, हमको टैंकर चाहिए, 10 मिनट के अंदर टैंकर पहुंच रहा है। रात को 12 बजे अगर किसी का ट्रांसफॉर्मर जल जाए किसी क्षेत्र में, 15 मिनट में टीम पहुंच रही है। तो यही है जो जनता को चाहिए कि उनके लोग, उनकी बनाई हुई सरकार उनके साथ खड़ी है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हम लोगों का जीवन व्यर्थ है, राजनीति में आना व्यर्थ है। कल जश्न की क्या तैयारी है? जश्न देश की जनता मनाएगी। अगर इस जश्न को पार्टी तक सीमित रख लिया जाए तो ये उत्साह तो स्वाभाविक है, लेकिन देश की जनता जश्न मनाएगी। जो बच्चों को माताएं उनकी दादियां कहती है कि तुम्हारे भविष्य के लिए हम मोदी जी को वोट दे करके आ रहे हैं, वो हृदय जश्न मनाएगा। ये थे हमारे साथ गोपाल शर्मा जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि कल जश्न ना बीजेपी मनाएगी ना बीजेपी से जुड़े हुए राजनीतिज्ञ मनाएंगे, बल्कि कल जश्न जनता मनाएगी। और जनता ने विश्वास एक बार फिर से बीजेपी पर दिखाया, केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। और जहां तक राजस्थान की बात करें तो इन्होंने कहा कि कई सीटों पर जरूर मुकाबला रोचक है, लेकिन अगर जनता के मूड की बात करें तो न सिर्फ मोदी जी केंद्र में हैट्रिक लगाने जा रहे हैं बल्कि राजस्थान में बीजेपी भी एक बार फिर से हैट्रिक लगाएगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।